जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक युति की, शनि और केतु। इस युति की हम बात करते हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि शनि देव किन किन भाव में बैठ जाते हैं, दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता। तो उनमें से एक शनि आठवें में भी सही नहीं माने जाते, खासकर सौम्य ग्रहों के जब लग्न होते हैं। भाव बल भी देखा जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जो है वो वृश्चिक राशि आती है, आठवां नंबर वृश्चिक राशि, मंगल यहाँ होते हैं, तो शनिदेव यहाँ शुभ फल नहीं देते। इसलिए क्या परिणाम हो सकते हैं इस युति के, शनि अकेले ही यदि आठवें भाव में बैठ जाते तो भी बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं। ऐसे इंसान को एक्सीडेंट जो है, छोटे मोटे एक्सीडेंट चलते रहते हैं, गाड़ी से गिर जाए, साइकिल से गिर जाए, लग जाए, तो वो देते हैं। ऐसे इंसान में एक फायदा ये है, यहाँ पर शनिदेव जो हैं वो कॉमन सेंस अच्छा कर देते हैं इंसान का। कॉमन सेंस जो होता है इंसान का वो अच्छा हो जाता है शनि की वजह से, एक यहाँ बेनिफिट है। अब बात करते हैं केतु यदि साथ में बैठ जाए, अर्थात राहु दूसरे में बैठेगा, केतु आठवें भाव में आ जाएगा। केतु आकस्मिकताओं का कारण है, कारक है, और यह भी शनि के जैसा रूप धारण कर लेगा, क्योंकि इसका धड़ होता है, सिर नहीं। तो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। तो यहाँ शनिदेव है, वो शनिदेव के साथ बैठ जाएगा और शनि के स्वरूप ही फल देगा। गुप्त स्थान का, गुप्त धन का, गुप्त क्रियाओं का ये कारक होता है, तो हर चीज में यह युति वृद्धि कर देती है। अब बात करते हैं, ये जो भाव है हमारा दूसरा भाव, ये हमारा धन का है और परिवार का है और वाणी का है, काफी चीजों का है, मेन ये है। अब मैंने मिथुन लग्न की कुंडली लेकर इसको समझाया है, खाली इस युति की वजह से कि ये कितना दूषित परिणाम देती है। ऐसा जो जातक होता है, अब राहु बैठ गया यहाँ पे परिवार वाले भाव में, तो ऐसे इंसान की वाणी है वो कठोर हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, गुस्से में आने पर कुछ भी वो बोल सकता है। घर की स्थिति जो है, घर की और धन की स्थिति सही नहीं रहेगी राहु की वजह से, राहु दूसरे स्थान में बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं राहु की सीधी दृष्टि केतु के ऊपर और शनि के ऊपर, यहाँ शनि वैसे ही अच्छी नहीं है, अब राहु की दृष्टि संबंध हो गया शनि के साथ, तो और भी चार गुना वृद्धि हो जाती है। मान लो यहाँ सिंह लग्न हो, कर्क लग्न हो, तो और हालत उसकी खराब होती जाती है। अब ऐसा जो इंसान होता है, ऐसी जो युति होती है, उसका दूसरे परिणाम ये होते हैं कि कोई इनका जानकार ही या परिवार पड़ोस वाला ही कोई इनका दुश्मन होता है, जिनको ये जानते हैं और उनके द्वारा ही तांत्रिक क्रियाओं से इनका परिवार घिरा रहता है। राहु यहाँ, शनि यहाँ, मतलब यही हमारे नेगेटिव एनर्जी के प्लैनेट्स हैं जो बता देते हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये यहाँ बैठ गया और ये यहाँ बैठ गया, अब दोनों मिलकर क्या करेंगे, जातक का जो घर है, जिसकी कुंडली उसका घर होगा, उसको ये घर बर्बाद कर देंगे। जब भी ये प्रभावी रहेंगे, घर की जो स्थिति है, जैसे साढ़े साथी आ जाए, भैया आ जाए, योगिनी दशाएं भी आती हैं तो भी, गोचरवश भी आ जाए, तो महादशा भी आ जाए तो भी,
ये जो फल देंगे बहुत ही खतरनाक फल देंगे, अर्थात ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि घर के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। हवन यज्ञ जो पाठ पूजा का करवाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। अब ऐसा जातक जो है वो पीड़ित रहेगा, डरेगा, बहुत मेहनत करेगा, फिर भी उसको फल नहीं मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 कर्म भाव पर होगी। अब ये जो इंसान कर्म करेगा उसका ये शनिदेव फल नहीं देंगे, उसके कर्मों को बिगाड़ देंगे। वो सही तरीके से भी कर्म करेगा तो भी उसको गलत परिणाम ही मिलेगा, यहाँ ये काम करेंगे। सातवीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, राहु के ऊपर। तो इस व्यक्ति को, इस जातक को, ऐसे जातक को धन के लिए संघर्ष करना होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं तब धन इनको प्राप्त होता है। दसवीं दृष्टि बात करें पड़ जाएगी ज्ञान भाव पर, पंचम भाव पर। यहाँ पर ऐसे इंसान जो हैं उनकी भावनाएं हमेशा उनको ठेस पहुँचती रहती है। ऐसे इंसान क्या है कि जब भी शनिदेव उनको क्या तो संघर्ष के बाद देते नहीं है, देते तो कम देते, तो ऐसे इंसान हताश निराश भावनाओं में क्रोध निराशा बनी रहती है। ऐसे इंसान केतु सर्प है और शनि उसमें वृद्धि करते हैं, ऐसा इंसान हर किसी पे शक करने लग जाता है। और बात करते हैं ये हमारा पार्टनरशिप का, दाम्पत्य जीवन का, मैरिटल लाइफ का भाव होता है, और ये पार्टनरशिप से सुख का भाव होता है। अब जो इनका वैवाहिक जीवन है वो भी ये सही नहीं रहने देंगे, सुख नहीं। ऐसे इंसान की जो पत्नी आएगी वो ज़्यादा बोलने वाली, वाचाल प्रवृत्ति वाली, शक करने वाली, गालियाँ देने वाली हम कह सकते हैं। ऐसा इंसान पत्नी से भी दुखी रहता है। तो ध्यान से देखिए, आप भी अगर यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा युति है शनि केतु की, तो वो आपकी जिंदगी को जहर कर सकती है, काफी लंबा संघर्ष करवाते हैं। और यदि मान लो सूर्य पीड़ित हो, लग्नेश पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित हो, तो यह स्थिति मरने लायक नौबत ला सकती है, घर से भाग जाने लायक नौबत आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। तो यदि ये जो युति है आपके हो, आपके परिवार में आपके बच्चों के हो, तो आप पहले तो शनि की शांति करवाइए अष्टम भाव में जो बैठे हैं, फिर दूसरे भाव की और लग्न की, लग्नेश की आप पूजा करवाइए, फिर आप इसका थोड़ा बहुत बच सकते हैं। हनुमान जी ही यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। और एक्सीडेंट है, ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। जब भी ऐसे अष्टम में शनिदेव बैठ जाते हैं तो गाड़ी घोड़ा वाहन जो लोभी लोह की चीजें हैं, मशीनरी की चीजें हैं, उनको आप ध्यान से चलेंगे। यह हमारे गुप्तांगों का भी पार्ट होता है, ऐसे रोगों को गुप्तांगों में भी परेशानी हो सकती है, पेट के अंदर जो गुप्त अंग है उनमें भी परेशानी हो सकती है। यदि गलती से यहाँ शुक्र बैठ जाए कुछ के, तो यह राजयोग को भी खत्म कर देती है, भंग कर देती है, यह राजयोग का फल नहीं मिलता। तो कुल मिला के ये बात है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत ही खतरनाक युति है ये, शुभ परिणाम नहीं मिलता, अपने ही दुश्मन हो जाते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते। उस जगह को यह युति, जिस हम स्थान पर हम रहते हैं, तो उस स्थान को यह युति छुड़वा देती है, वहां से इस स्थान को हाथों हाथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी दुश्मन मिलेगा वो पावरफुल मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति जल्दी ही तांत्रिकों के प्रभाव में, तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह युति समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइबरों की संख्या आप बढ़ाइए, ताकि मैं और भी युतियों को हम ला सकें। अब हम बात करते हैं इस युति के बाद
प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली की हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं उनको अपनी डिटेल नहीं पता होती, जन्म स्थान है, जन्म समय है, जन्म दिनांक के वो पता नहीं होता है, वो दिखा नहीं पाते हैं। तो एक दूसरा माध्यम होता है प्रश्न कुंडली का, जिस समय कोई आ जाए आपके पास में और उसकी गोचर या बस ग्रह बैठा कर उसका जो उत्तर दिया जाए तो प्रश्न कुंडली होती है। दोस्तों यदि आपके भी परिवार में कोई सदस्य ऐसे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, तो ये प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं प्रश्न कुंडली का। आप प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी यहाँ से दिए जाएंगे, लेकिन इसका जो होगा वो चार्ज होगा प्रश्न कुंडली बताने का, प्रश्नों का, जैसा कि कल बताया था वीडियो में कि प्रश्न कुंडली से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसा भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का हो आप पूछ सकते हैं। 3 सवाल 500 रुपये, 7 सवाल 1000 रुपये, ये रेट है, तो आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर आप ये शुरू कर दीजिए, ताकि मैं टाइम फिक्स कर सकूं। तो दोस्तों ये रहा, और कुंडली विवेचन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।